गणपति सबसे पूजनीय है। पूजा करान पता होना है रावण ही आया, रावण ही बन के आ गया। फिर वो कहना जो तुम आए हैं पंडित हरि ओम महास्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो कदे कूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतिः प्रदेशा सन्तु मयं मा विष्णोरराटमसि विष्णो नप्रेस्तो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतोपदेवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्नौ शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ श्री महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। चले सभी यजमानों की ओर से संकल्प करते हैं और जितने भी लोग हिंदू सभा के प्रांगण में बैठे हैं आप सभी भी इस आयोजन के यजमान हैं। तन से मन से धन से जो भी सहयोग आप दे रहे हैं आप सभी की ओर से ये दशहरा का पूजन माँ जगदम्बा का और भगवान श्री राम का अभिषेक भगवान शंकर का हम सभी मिलकर के करेंगे। आइए संकल्प करते हैं। हरि ओम माँ विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अध्येहा श्री ब्रह्मणो निदिते पारार्धेश श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अश्राः विंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे वर्तमाने वर्तमाने यथा हेतुक्त नाम संवत्सरे कालयुक्त नाम संवत्सरे शिश्वेयाः दक्षिणायने कन्यारके माषाणामाशोत्तमे मासे शुभे आश्विन महात्म मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लाद्यः विजयादशम्यायां सुपुण्यतिथोः सकल शास श्रुति स्मृति प्राणोक्त फलवाप्त्यर्थं नाना नाम गोत्रेभ्यो यजमानेभ्यो अपना अपना गोत्र अपना पत्नी पति का बच्चों का सबका नाम ले लें सभी लोग ले लें। नाना नाम गोत्रे नाम गोत्रे अमुक नाम अमुक नामनो हम सपत्निको हम सपुत्र पुत्रिको हम सकल परिवारस्य सुख समृद्धि ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम् सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम् सर्वाः अरिष्ट शान्त्यर्थम् सर्वा अभीष्ट प्राप्त्यर्थम् धनधान्य समृद्धम् पुत्र पौत्रादिवि वृद्ध्यर्थम् यः जन्मनि जन्मान्तरे वाः सकल दुरितोपशमनार्थम्
सवार्यस्य सवत्रस्य सवान्दवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सवशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरारोग्येश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं तथा च जन्मराशे सकाशा नाम राशे सकाशा जन्म लग्नात् वर्ष लग्नात् गोचराद् वा एकेचि चतुर्थाश्रमः द्वादशाद्य अनिष्ट स्थान स्थित कुरुरग्रह तेषां संशोचितं संशोचयिष्यमाणं यत् सर्वाः अरिष्टं तद्विनाशार्थं सर्वदा तृतीय एकादश स्थान से फल प्राप्ततम अल्पायुर आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा भगवतो श्री सांब सदा शिव प्रदर्थम जगदंबिकाया प्रदर्थम तथा भगवतो श्री राजा राम देवता प्रदर्थम गणपति नवग्रहादि सर्वेषां देवी देवतानां प्रदर्थम अपराजिता पूजनम तथा भगवतो श्री रामचंद्र देवता पूजनम शिव अभिषेकम जमहम करिष्ये करिष्यामहे च हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन सहस्रशुकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनी नमः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः यथा लब्धोपचारे पूजनं समर्पयामि बोले गणेश भगवान की जय साथ करा दो आप करो चलिए पादयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं युवाशुवाशा परिवीतागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशा कवयोन्यन्ति साध्यो मनसः देवयन्त वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि गन्धं विलेपयाम् त्वां गन्धर्वाघनं त्वामिन्नस्वां विरस्वति त्वां उर्वश्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः क्षन्नमेव दन्तैव प्रिया दुःखद अस्तु घासुर्विश्वा विष्णावती ज्योजानविन्दते हरे अक्षतां पुष्पमालां समर्पयामि वावि पुष्पं समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि लड्डुपणे ओम नाभ्यादासीदन्तरिक्षकं शेषौ समवर्धताभ्यां भूमिदिशः श्रोत्राः तथा लोकान् अकल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनम् मुख प्रक्षालनं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि लेदु फलानिं समर्पयामि इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि नारिकेलफलादिं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीतं विवावशौ अनन्त पुण्यफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि यजमान अपनी जेब से पैसा निकालिए दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि आत्मनिम जलं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सभी लोग गणेश जी का ध्यान करके प्रार्थना करिए गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं बोलि गणेश भगवान की जय लक्ष्मी जी सरस्वती काली जगदम्बा का भी एक बार ध्यान कर लीजिए सभी आज अपराजिता पूजन है जो 9 दिन तक हमने व्रत रखा है उस व्रत को सफल करने वाली अपराजिता माँ है इसलिए उनका ध्यान कर लीजिए एक बार गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाधा मातरो लोक मातरः
रिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिगाहिता वृद्धो पूज्या स षोडशा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगदम्बिकाये नमः। बोले सच्चिया ज्योता वाली माता जी ध्वनि सदाई जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। चलिए एक संक्षेप में नौ ग्रहों का आप ध्यान कर लीजिए, फिर शिव जी का अभिषेक करेंगे। ब्रह्मा मुरारी स्थिरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु आदित्यादि नवग्रह देवताओं की जय। चलिए अब शिव जी का शिव प्रारंभ करेंगे, राजेंद्र जी को देता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलो महापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय